हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में दोस्तों हम बनाने वाले हैं रेन इंडिकेटर। मतलब कि जब भी बारिश आएंगी दोस्तों तो ये हमें बताएगा एक अलार्म की तरह कि भाई बाहर बारिश शुरू हो चुकी है दोस्तों। तो आज हम इसको बनाने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले हैं दोस्तों। इसके लिए हम जो बाइक के अंदर बजर रहता है, जैसे आपको पता होगा जब हम इंडिकेटर दबाते हैं तो दोस्तों एक बजर बजता है बीप बीप करके, तो उस बजर का हम यूज़ करने वाले हैं और 9 वोल्ट की बैटरी का यूज़ करने वाले हैं दोस्तों। साथ में एक स्विच का भी यूज़ करने वाले हैं। बनाना बहुत आसान है, वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये लकड़ी की पट्टी है और ये बजर ये आपको ऑटो की दुकान पर मिल जाएगा, जहाँ पर ऑटो पार्ट्स मिलते हैं वहाँ पर। और ये स्विच है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर मिल जाएगा। इसको यहाँ पर हम फिक्स करेंगे इस तरह से। और ये बैटरी है 9 वोल्ट की, और ये ढक्कन है, किसी भी बोतल का आप ले सकते हैं। तो इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे दोस्तों। मेरे पास ग्लू स्टिक है, उसी को मैं पिघला के चिपका रहा हूँ। तो मैं आगे बता दूंगा आपको कि किस तरह से उसका यूज़ करना है अगर ग्लू गन आपके पास में नहीं है तो। तो ये स्विच यहाँ पे लग गया दोस्तों, और अब हम यहाँ पे इसको शोल्डर आयरन से इसका कनेक्शन कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए इसका कनेक्शन कर लेते हैं शोल्डर आयरन की मदद से। और ये कनेक्शन हो गया एक साइड से। ये वाला तार तो हम बाद में जोड़ने वाले हैं, वाला वायर। तो ये 9 वोल्ट का जो कनेक्टर है उसको लगा दिया हमने। ये वाला वायर यहाँ पे रहेगा और ये वाला वायर, लेकिन ये जाएगा ढक्कन के अंदर दोस्तों। तो चलिए इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। ये कनेक्टर है इसका 9 वोल्ट की बैटरी का। तो इसको शोल्डर आयरन की मदद से हम अभी कनेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया दोस्तों। तो चलिए आगे प्रोसेस करते हैं। ये बैटरी इस तरह से यहाँ पे लग जाएगा, और इसको ग्लू स्टिक की मदद से मैं यहाँ पे लगा दूंगा, क्योंकि ग्लू गन का यूज़ मैं कर नहीं रहा हूँ। ग्लू स्टिक मेरे पास में पड़ा हुआ है, तो मैं आगे अब बता देता हूँ आपको। तो ये ग्लू स्टिक है दोस्तों, इसको ज़रा सा कट कर लेना है हमें जितनी ज़रूरत है उतनी। और यहाँ पे इस तरह से रख के और शोल्डर आयरन की मदद से इसको धीरे धीरे पिघला देना है वहाँ पे। और जैसे ही पिघल जाती है तो हमें जो भी चीज़ चिपकानी है उसके ऊपर रख देते हैं, जिस तरह से मैं बैटरी को रख रहा हूँ। तो ये इस तरह से फिक्स हो चुकी है दोस्तों ये। और यहाँ से जो दो वायर निकलने वाले हैं, ये वाले, इन दोनों वायरों को हम ढक्कन से फिक्स कर देंगे। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। तो ये ढक्कन है मेरे पास में, और इन दोनों को मैं इसमें फिक्स कर दूँगा दोस्तों। तो चलिए मैं एक वायर का टुकड़ा ले लेता हूँ और उसको इस तरह से अंदर चिपका के, ये भी ग्लू स्टिक की मदद से करने वाला हूँ दोस्तों मैं। और इस तरह से यहाँ पे करना है दोस्तों, क्योंकि अगर पानी की एक बूंद भी अगर गिरती है तो हमारा कनेक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, और वो भी बजने लग जाएंगे। तो ये ग्लू स्टिक यहाँ पे पिघला के मैंने लगा दिया है, और इसको इस तरह से बाहर से भी लगा देना है दोस्तों। और इसी प्रकार दूसरा वायर भी हमको लगाना है, लेकिन ये ज़्यादा पास में नहीं रखना। एक बूंद भी अगर गिर जाएंगे तो कनेक्शन पूरा हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये बजने लग जाएगा। तो इन दोनों को यहाँ पे जोड़ देंगे और इसको यहाँ पे चिपका देंगे। तो ये देखिए ग्लू स्टिक मैंने यहाँ पे रख दी थी पिघला के, तो ये यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ, तो जो कि अच्छी तरह से हो चुका है। और अब ये वाला कनेक्शन करके यहाँ पे टेप लगा देता हूँ ताकि कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो ये लग चुका है दोस्तों, और यहाँ पे टेप भी मैंने लगा दिया है। अब रहा ये वाला दूसरा वाला वायर का कनेक्शन, ये वाला जो भी हाथ में है मेरे, तो इसको शोल्डर आयरन की मदद से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि वायर कम है वहाँ पर। और इसके बाद में यहाँ पर टेप लगा देता हूँ। तो ये हो चुका है कम्प्लीट दोस्तों, और अब इसमें मैं पानी डालने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये बजर है और ये स्विच, तो स्विच तो ऑन ही है, ये ऑफ, और ये 9 वोल्ट का बैटरी यहाँ दिया हुआ है, और ये ढक्कन है दोस्तों। ये देखिए दोनों तार दूर दूर यहाँ पे, और ये स्विच ऑन कर दिया मैंने, और अब मैं पानी की बूंद डाल के देखता हूँ बचता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये बजने लग गया है, और बहुत ही शानदार आवाज़ है। और स्विच ऑफ करके देखते हैं, ये देखिए दोस्तों आवाज़ भी बंद हो चुकी है।
तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा बना है रेन इंडिकेटर। तो देखिए आवाज़ कर रहा है, ये स्विच ऑफ किया था, आवाज़ बंद। तो एक बार पानी फेंक के दोबारा से देखते हैं डाल के उसमें, ये देखिए यहाँ पे कितना कम पानी में ही आवाज़ करने लग गया है, आप देख सकते हैं। तो इस पानी को फेंक के मैं दोबारा भर के देखता हूँ, एक बार और स्विच ऑन कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना साउंड अच्छी तरीके से दे रहा है। और ये स्विच ऑफ, ये ऑन, ये ऑफ। तो ये पानी मैंने फेंक दिया दोस्तों, और दोबारा से मैं डाल के देखता हूँ पानी, और आप एक बार ये स्विच ऑन कर दिया मैंने, ये ऑफ। पानी की अगर एक बूंद भी रही तो दोस्तों तो ये बजेगा, तो जैसे ही बारिश का पानी उसको भी गिरेगा तो ये ऑन हो जाएगा, इस तरह से करना है। तो चलिए मैंने ऑन कर दिया स्विच, और पानी डाल दिया मैंने, और आप देख सकते हैं कि ये दोबारा से बजने लग गया दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा आइडिया है ये, आप भी बना के देख सकते हैं दोस्तों। ये बैटरी से चलने वाला ही बनाना है आपको, और ये जो हम देख रहे हैं यहाँ से, ये वाला भाग ये अंदर रहेगा रूम के, और ये वाला भाग रूम के बाहर रहेगा दोस्तों, ताकि बारिश का पानी इसके ऊपर गिर सके और अलार्म बजने लगे। आज का प्रोजेक्ट और आज की वीडियो में दी गई जानकारी दोस्तों आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।